सोशल मीडिया पर बॉलीवुड की एक वीकेंड पार्टी वायरल हो चुकी है। ये वीकेंड पार्टी बॉलीवुड के प्रोड्यूसर करण जौहर ने रखी थी। इस पार्टी में बॉलीवुड के नामचीन चेहरे शामिल हुए, जिस पर अकाली दल के नेता मंजिंदर सिरसा ने आरोप लगाए हैं कि पार्टी में सितारे ड्रग्स के नशे में चूर थे। दरअसल ये सारा हंगामा तब मचा जब करण जौहर ने पहले तो इस हाउस पार्टी का सरप्राइज वीडियो बनाया और इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो के अपलोड होते ही हंगामा बरप गया। भले ही सितारे लड़खड़ाती जुबान से ये बोलें कि हंगामा क्यों बरपा है, थोड़ी सी जो पी ली है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा निकलना शुरू हो गया। अकाली दल के नेता मंजिंदर सिरसा ने ये वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि सारे सितारे ड्रग्स ले रहे थे। मंजिंदर ने लिखा, ये फिक्शन वर्सेज रियलिटी, देखो कैसे बॉलीवुड के सितारे गर्व के साथ अपने ड्रग्स में होने के स्टेट को दिखा रहे हैं। मैं बॉलीवुड स्टार्स के जरिए ड्रग एब्यूज के खिलाफ आवाज उठाता हूँ। अगर आप लोग भी इसे शर्मनाक समझते हैं तो रिट्वीट कीजिए। मंजिंदर सिरसा के ट्वीट पर कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने रीट्वीट कर जवाब दिया कि उस पार्टी में कोई भी ड्रग स्टेट में नहीं था। देवड़ा ने लिखा कि उनकी पत्नी भी इस पार्टी में मौजूद थी, ऐसे में झूठी अफवाहें ना फैलाएं और माफी मांगने की हिम्मत दिखाएं। न्यूज़ डेस्क।